मैं हूं नुमान सतार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। सूडान में सूरत हाल हमारी सोच से ज्यादा खतरनाक है। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना है कि इस जंग में आम शहरियों के लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। इनखला में मदद करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा ने फंड रेजिंग में तमाम सियासी जमातों को पीछे छोड़ दिया। कंजर्वेटिव पार्टी ने तकरीबन 46,000 अतिया दहिंदगान से $8.3 मिलियन से ज्यादा फंड इकट्ठा किया। कैनेडियन शहरी पासपोर्ट के लिए लंबी लाइनों का सामना कर सकते हैं। कैनेडियन फैमिलीज मिनिस्टर का कहना है कि इस हफ्ते दरख्वास्तों की एक बड़ी तादाद मुतवक्का है। फौरी सफर करने वालों को तरजीह दी जाएगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल आज दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान है। सेक्रेटरी जनरल अक़वामे मुत्तहिदा का कहना है कि आलमी बरादरी तालिबान पर दबाव डालने के लिए नए तरीके तलाश करे। कतर में अक़वामे मुत्तहिदा के 20 ममालिक के इजलास में तालिबान को मदु नहीं किया गया। सूडानी फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज एक हफ्ते की जंगबंदी पर रजामंद। 4 मई से 7 रोजा जंगबंदी पर उसूली तौर पर इत्तेफाक। फरीकान ने बातचीत के लिए नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए। नाज़रीन हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। कनाडा की वजीर खारजा मेलान जोली का कहना है कि सूडान से लाए गए कैनेडियन शहरियों ने हमें बताया है कि वो जहन्नुम से गुजर रहे हैं। जोली का कहना था कि कनाडा सूडान में अमन के लिए हर मुमकिन मदद करेगा। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर खारजा मेलानिया जोली का कहना है कि सूडान से निकाले गए कैनेडियंस ने उन्हें बताया कि वो जहन्नुम से गुजरे हैं। जोली का कहना था कि कनाडा सूडान में अमन के लिए हर मुमकिन मदद करेगा। जूली ने नैरोबी से कैनेडियन प्रेस को दिए गए इंटरव्यू में कहा, ये एक शहरी जंग है जिसमें आम शहरियों के लिए कोई रहम नहीं है। जूली का कीनिया का दौरा अपने इख्तिताम पर है, जहां उसने सूडान में तशद्दुद से बच जाने वाले लोगों से सुना और इस बात पर बात करने के लिए पूरे मशरकी अफ्रीका के रहनुमाओं से मुलाकात की कि कनाडा अमन कायम करने में किस तरह मदद कर सकता है। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना था कि सूडान में लोगों को मौत और अपने प्यारों और खानदानों के लिए मुमकिना खतरात और ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा जो दर हकीकत इंतहाई खतरनाक थी। मेलानिया जूली ने कहा कि ये एक जज्बाती तजुर्बा था जिन्होंने इनखिला में मदद की, बशमूल खरतूम सिफारत खाने की टीम जिसने 2 घंटे की ब्रीफिंग दी कि ये सब कैसे हुआ। जूली ने कहा कि कीनिया में इनखिला के मशगूल हैं कि कैनेडियन अमले और इत्तेहादी ममालिक ने उन्हें महफूज मुकाम तक पहुँचाने में मदद की, लेकिन वो एक खौफनाक एहसास को नज़रअंदाज नहीं कर सकी। सूडान के इनखिला ने उसे उन लोगों की याद दिलाई जो 2022 के मौसम सरमा में रूस के यूक्रेन पर मुकम्मल हमले के चंद दिन बाद पोलैंड में मिले थे। कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा ने साल के पहले 3 महीनों में किसी भी दूसरी वफाकी पार्टी के मुकाबले में ज्यादा अतियात जमा किए। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा ने साल के पहले 3 महीनों में किसी भी दूसरी वफाकी पार्टी के मुकाबले में ज्यादा अतियात जमा किए हैं। इलेक्शंस कनाडा के माली बयानात से पता चलता है कि कंजर्वेटिव ने साल की पहली सहमाही के दौरान तकरीबन 46,000 अतिया दहिंदगान से $8.3 मिलियन से ज्यादा फंड इकट्ठा किया। टूरीज मामूल के मुताबिक फंड रेजिंग में अपने सियासी हरीफों को पीछे छोड़ देते हैं और इस बार उन्होंने हुकूमत करने वाले
लिबरल्स को तकरीबन $5 मिलियन से शिकस्त दी। लिबरल्स ने इसी अरसे के दौरान तकरीबन 31,000 अतिया दहिंदगान से तकरीबन $3.6 मिलियन हासिल किए। न्यू डेमोक्रेट्स, जिन्होंने सप्लाई और एतमाद के माहदे के साथ अकलियती पार्लियामेंट में लिबरल्स की हिमायत करने पर इत्तेफाक किया, तकरीबन 16,000 अतिया दहिंदगान से $1.3 मिलियन इकट्ठे किए हैं। ग्रीन पार्टी ने तकरीबन $401,000, ब्लॉक कीविको ने $322,000 से ज्यादा और पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा ने $296,000 से ज्यादा रकम जमा की। कंजर्वेटिव पार्टी ने एक बयान में कहा कि उनकी फंड रेजिंग बाउंटी कैनेडियनों की बढ़ती हुई तहरीक की तरफ इशारा करती है, जो अपनी मेहनत से कमाए गए डॉलर एक ऐसे लीडर के पीछे लगा रहे हैं जो उनकी बात सुन रहा है और उनके तहफ़ुज़ात पर बात कर रहा है। लिबरल पार्टी ने कंजर्वेटिव को बड़े फर्क से पीछे छोड़ दिया है, लेकिन ये अब भी मुस्बत खबरों की तरफ इशारा कर सकती है, जो 3 सालों में पहली सहमाही में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। लिबरल पार्टी के तर्जुमान डेमतर बिस्मिथ ने कहा कि ये पार्टी के लिए एक मजबूत पहली सहमाही थी, जिसने दिसंबर में मिसिसागा में ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की थी। बिस्मिथ ने कहा कि 97% अतियात $200 से कम थे और नेस अतियात एक वक्त में $10 या उससे कम थे। बिस्मिथ ने इसे पार्टी की निचली सतह पर मजबूत हिमायत का सच्चा सबूत करार दिया। कनाडा की एक वफाकी वजीर कनाडा के शहरियों को मशवरा दे रही हैं कि वो इस हफ्ते पासपोर्ट दफातर में लंबी लाइनों की तवक्को करें, क्योंकि अवामी खिदमात 12 दिन की हड़ताल के बाद दोबारा काम शुरू कर रही हैं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की एक वफाकी वजीर कनाडा के शहरियों को मशवरा दे रही है कि वो इस हफ्ते पासपोर्ट दफातर में लंबी लाइनों की तवक्को करें, क्योंकि अवामी खिदमात 12 दिन की हड़ताल के बाद दोबारा काम शुरू कर रही है। फैमिलीज मिनिस्टर क्रीना गोल्ड का कहना है कि मुलाजमीन की हड़ताल से कोई खास पसमानदगी पैदा नहीं हुई, क्योंकि वफाकी हुकूमत को हड़ताल के दौरान पासपोर्ट की दरख्वास्तों के आम हजम का सिर्फ 20% मौसूल हुआ। गोल्ड का कहना है कि उसके नतीजे में इस हफ्ते दरख्वास्तों की एक बड़ी तादाद मुतवक्के है, लेकिन वो कैनेडियंस को यकीन दिलाते हैं कि फौरी सफर करने वालों को तरजीह दी जाएगी। दरी असना इमिग्रेशन के वजीर शॉन फ्रेजर का कहना है कि हड़ताल के दौरान इमिग्रेशन फाइलों से मुतालिक तकरीबन 1,00,000 फैसलों पर अमल नहीं किया गया। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज और सिटीजनशिप कनाडा हालिया महीनों में COVID-19 वबाई अमराज के तनाजर में पैदा होने वाले अहम बैकलॉग से पकड़ रहा है। फ्रेजर ने कहा कि हालिया हड़ताल का मतलब है कि वबाई अमराज से पहले के खिदमात के मयारात पर वापस आने में ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन वो तवक्को करता है कि महकमे को हालिया तब्दीलियों की बदौलत बैकलॉग से गुजरने में आसान वक्त मिलेगा, जिन्होंने अफरादी कुव्वत में पैदावारी को बढ़ाया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर होने वाले 20 से ज़ायद ममालिक के आलमी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मुतालबा किया कि तालिबान पर दबाव बढ़ाने के लिए आलमी बरदरी को मुज़ाकरात के नए रास्ते चुनना होंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने तालिबान हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि आलमी बरदरी अफगानिस्तान के इस्तेहकाम, वहाँ होने वाली दहशतगर्दी, मंशियात स्मगलिंग और अफगान खवातीन की माशरती धारे में शमूलियत न होने पर फिक्रमंद है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक दोहा में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर होने वाले 20 से ज़ायद ममालिक के आलमी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने मुतालबा किया कि तालिबान पर दबाव बढ़ाने के लिए आलमी बिरादरी को मुज़ाकरात के नए रास्ते चुनना होंगे। उनका कहना था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल आज दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान है। जनरल सेक्रेटरी यूएन एंटोनियो गुतरेस ने बताया कि तालिबान हुकूमत की जानिब से एनजीओज में काम करने वाली खवातीन पर पाबंदी के बाद आलमी बिरादरी अफगानिस्तान से मुतालिक अपनी पॉलिसियों को तब्दील करने पर गौर कर रही है। अफगानिस्तान में खवातीन को निज़ाम से बाहर रखना इंसानी हुकूक और अक़वामे मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। ख्याल रहे कि तालिबान की जानिब से इमदादी तंजीमों में काम करने वाली खवातीन पर पाबंदी के बाद अक़वामे मुत्तहिदा भी अफगानिस्तान में अपनी इमदादी सरगर्मियों को जारी रखने या बंद करने का जायजा ले रहा है। एंटोनियो गुतरेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान हम अफगानिस्तान में रहे और हमने डिलीवर किया, और अब भी हम अपना काम जारी रखने के लिए ज़रूरी शराइत तलाश करने के लिए पुरअज़म हैं। यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि अपने मकासद को हासिल करने तक हम अफगान आवाम को दी जाने वाली इमदादी सरगर्मियों से मुनक़ता नहीं हो सकते, और बहुत से ममालिक ने उन सरगर्मियों को मजीद मौसर बनाने का मुतालबा किया है। उधर दोहा में तालिबान दफ्तर के सरबराह सुहेल शाहीन ने कहा कि अक़वामे मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम अफगानिस्तान पर होने वाले इजलास में हमारे किसी नुमाइंदे को शामिल न करने से इजलास गैर मौसर और बेनतीजा साबित हो सकता है। सुहेल शाहीन ने मजीद कहा कि दुनिया को हमारी बात सुननी चाहिए
हमारे जायज़ हकूक से इनकार करके हमें अफगानिस्तान के बारे में मुलाकातों में मदू ना करके या हमारी बात ना सुनने से वो ना तो इस हकीकत को बदल सकते हैं जो कि अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान है और ना ही कोई ऐसा हल तलाश कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत है। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल अक़वामे मुत्तहदा एंटोनियो गुतरस ने तालिबान की मुज़ाकरात में शमूलियत पर कहा कि तालिबान से मुलाकात मुनासिब वक्त पर होगी और अभी वो मुनासिब वक्त नहीं आया। सूडान की फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस एक हफ्ते की जंग बंदी पर रजामंद हो गई हैं। सूडान के आर्मी चीफ और आरएसएफ के कमांडर का 4 में से 7 रोजा जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। सूडान की फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस एक हफ्ते की जंग बंदी पर रजामंद हो गई हैं। सूडान के आर्मी चीफ और आरएसएफ के कमांडर का 4 मई से 7 रोजा जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूडानी फौज के सरबराह जनरल अब्दुल अल-फताह अल-बुरहान और पैरा मिलिट्री सरियुल हरकत फोर्सेस के कमांडर जनरल मोहम्मद हमदान दखलू अल मारूफ हमीदती ने 4 मई से 7 रोजा जंग बंदी पर उसूली तौर पर इत्तेफाक किया। इस हवाले से पड़ोसी मुल्क और माजी में सूडान का हिस्सा रहने वाले जनूबी सूडान की वजारत खारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सूडानी आर्मी चीफ और पैरा मिलिट्री फोर्सेज के सरबराह ने जंग बंदी पर इत्तेफाक किया है। जनूबी सूडान की वजारत खारजा ने एक बयान में सूडान के दोनों मुतहरिक कमांडरों में जंग बंदी पर इत्तेफाक राय की इत्तला दी है। बयान के मुताबिक जनूबी सूडान के सदर सल्फा कीर ने फरीकैन में तवील जंग बंदी और अमन मुजाकरात के लिए नुमाइंदों को नामजद करने की अहमियत पर जोर दिया। जनूबी सूडान के दारुल हुकूमत जब्बा से वजारत खारजा का कहना है कि सूडान में एक हफ्ते की जंग बंदी 4 से 11 मई तक की जाएगी। जनूबी सूडान की वजारत खारजा का मजीद कहना था कि फरीकैन ने बातचीत के लिए नुमाइंदे मुकर्रर करने पर भी इत्तेफाक किया है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए टैक टीवी।